लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारी क्लास का विषय है राजनीति विज्ञान का सिद्धांत, और राजनीति विज्ञान के इस सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग आज अध्ययन करते हैं एक महत्वपूर्ण अवधारणा का, जिसका नाम है स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग आज अध्ययन करेंगे स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, उसकी अवधारणा का विकास कैसे हुआ, और उसके संबंध में विभिन्न विचारकों और दृष्टिकोणों के द्वारा किन बातों का उल्लेख किया गया है, इस बात का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आइए हम लोग देखें कि लिबर्टी का आखिर अर्थ क्या होता है। लिबर्टी लैटिन भाषा के लेबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, बंधनों का अभाव। सामान्य रूप में लिबर्टी की इसी बात के साथ स्वतंत्रता के अवधारणा का विकास राजनीति विज्ञान में होता है। सामान्य रूप में स्व का अर्थ होता है अपना, और तंत्र का अर्थ होता है शासन, अर्थात अपने ऊपर अपना शासन स्वतंत्रता का मूल आधार बनता है। अब यहाँ पर हम लोगों को यह देखना है कि स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार से हुआ। इसका अध्ययन करने के लिए हम लोगों को समझना होगा कि इसके तीन चरणों में, पहला चरण है ये प्राचीन यूनानी काल, दूसरा है मध्यकाल, और तीसरा है इसमें आधुनिक काल। बच्चों, प्राचीन यूनान में स्वतंत्रता के अवधारणा का विकास नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया? इसलिए कि यूनान में दास प्रथा का प्रचलन था, और दास प्रथा के अंतर्गत समस्त अधिकार केवल स्वामी वर्ग को दिया गया, दास वर्ग को कोई अधिकार नहीं मिला था। यद्यपि प्लेटो और अरस्तु का राजनीतिक दर्शन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें तीन प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख प्राप्त होता है। एक है आंतरिक स्वतंत्रता, दूसरा है नैतिक स्वतंत्रता, और तीसरा है आध्यात्मिक स्वतंत्रता। सब मिलाकर के बात यहाँ पर है कि अपने आत्मा की स्वतंत्रता पर बल दिया गया, इसीलिए सुकरात के द्वारा कहा गया था अपने आत्मा की आवाज़ को सुनो। मध्यकाल के राजनीति विज्ञान का अगर आप सूक्ष्म अवलोकन करते हैं तो मध्यकालीन राजनीति विज्ञान में तीन प्रकार की शाही का प्रचलन था, पोपशाही, राजशाही और सामंतशाही। प्रचलन था पोपशाही का, राजशाही का, और प्रचलन था इसमें सामंतशाही का। शाही का अर्थ होता है नियंत्रण। पोप का नियंत्रण किस पर था? व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर। राजा का नियंत्रण किस पर था? व्यक्ति के राजनीतिक स्वतंत्रता पर। और सामंत का नियंत्रण किस पर था? व्यक्ति के आर्थिक स्वतंत्रता पर। अर्थात मध्यकालीन राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता के अवधारणा का विकास नहीं हो पाया। अब तीसरा चरण आता है, और तीसरे चरण को हम लोग आधुनिक काल कहते हैं। आधुनिक काल में स्वतंत्रता की अवधारणा का
अवधारणा का स्वतंत्रता के अवधारणा का स्पष्ट विकास दिखलाई पड़ता है। और इस विकास के होने का अगर पृष्ठभूमि का आप निर्धारण करें तो आपको मालूम होगा पुनर्जागरण क्रांति होती है। आप पुनर्जागरण क्रांति के कारण जीवन के हर क्षेत्र में बुद्धिमत्ता का विकास होता है। अंततः यंत्र का आविष्कार हो गया, यंत्र के आविष्कार से मशीनें बनी और मशीनों के बनने से कल कारखाने बने, कल कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन हुआ, बिक्री हुई और पूंजी का केंद्रीकरण होने लगा। इसलिए आधुनिक काल में स्वतंत्रता के अवधारणा का विकास मूलतः पूंजीवाद के साथ हुआ। और इस पूंजीवाद को राजनीति विज्ञान में उदारवादी विचारधारा कहते हैं। इसलिए आपके एग्जाम में यह सवाल आता है कि स्वतंत्रता की अवधारणा मूलतः किस विचारधारा के साथ जुड़ा है, तो आपको लगाना है उदारवाद के साथ स्वतंत्रता की अवधारणा मूलतः जुड़ी हुई है। उदारवादी विचारधारा के साथ स्वतंत्रता की अवधारणा के जुड़ने के बाद एक बात यहाँ पर आपको और भी समझ लेना है कि स्वतंत्रता की अवधारणा के विकास में कुछ क्रांतियों की भी भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिसमें अमेरिकन क्रांति 1776 महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्रांति के द्वारा कहा गया स्वतंत्रता, समानता एवं सुखानुसरण। इसने यह भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र पैदा होता है। अब दूसरी क्रांति है जिसको फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी का नारा था, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। यद्यपि यह सब पूंजीवाद के हितों पर आधारित थी, क्योंकि जिस फ्रांसीसी क्रांति की बात की गई, कार्ल मार्क्स और मार्क्सवादी चिंतक कहते हैं यह बुर्जुआवादी या पूंजीपति वर्ग के द्वारा की गई क्रांति थी। और यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ केवल व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता है, समानता का अर्थ केवल राजनीतिक समानता है और भाईचारा एक सपने जैसा था जिसको दिखाना था पूंजीपति वर्ग को श्रमिक वर्ग के साथ, ताकि श्रमिक वर्ग पूंजीपति वर्ग के साथ मिलकर काम करे और अंततः मुनाफा पूंजीपति वर्ग को हो, ऐसा था। बट यह महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि स्वतंत्रता की अवधारणा के विकास में फ्रांसीसी क्रांति की भूमिका उल्लेखनीय रही। इसके साथ साथ एक और क्रांति हुई थी जिसको गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई और इस क्रांति के द्वारा संसद की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया गया और यह संसद नियम कानून का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य था और नियम और कानून के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होगी। स्वतंत्रता के इसी अवधारणा के विकास में हम लोग एक बात और समझ लें कि स्वतंत्रता के इस अवधारणा के विकास में एक महत्वपूर्ण नाम आता है और वह नाम है मॉन्टेस्क्यू का। मॉन्टेस्क्यू फ्रांसीसी विचारक है जिसने एक पुस्तक का लेखन किया, द स्पिरिट ऑफ
लॉस। और इस पुस्तक के अंतर्गत मॉन्टेस्क्यू ने शक्त पृथककरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। शक्त पृथककरण के सिद्धांत का अर्थ होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा अपने लिए निर्धारित कार्यों को किया जाए और किसी दूसरे अंग के कार्य में कोई भी हस्तक्षेप न किया जाए, ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके। UGC के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया कि मॉन्टेस्क्यू के द्वारा शक्त पृथककरण के सिद्धांत के प्रतिपादन का उद्देश्य क्या था। अल्टरनेट आपको आया था अधिकार की रक्षा करना, न्याय की रक्षा करना, समानता की रक्षा करना या स्वतंत्रता की रक्षा करना। उत्तर इसका क्या है, स्वतंत्रता की रक्षा करना। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता की अवधारणा मूलतः आधुनिक काल की अवधारणा है और इस अवधारणा का विकास हुआ आधुनिक काल में पूंजीवादी विचारधारा के विकास के साथ साथ। अब आपको एक सवाल स्वतंत्रता की परिभाषा पर आता है, स्वतंत्रता की आखिर परिभाषा क्या है। स्वतंत्रता की परिभाषा भी दो दृष्टिकोणों पर आधारित है, नकारात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक दृष्टिकोण। नकारात्मक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि स्वतंत्रता के ऊपर कोई प्रतिबंध स्थापित न किया जाए, जबकि सकारात्मक दृष्टिकोण इस बात का समर्थन करता है कि स्वतंत्रता के ऊपर तर्कसंगत प्रतिबंध का लगाया जाना उपयुक्त होगा। इसी परिभाषा में पहला नाम आता है सीले का, स्पेंसर का, जॉन लॉक का, हॉब्स का और रूसो का, जे एस मिल का। इस परिभाषा के अंतर्गत नाम आता है TH ग्रीन का, लास्के का, ऑप्शन का और मार्क्सवादी चिंतक का नाम आता है जिसमें लेनिन का नाम महत्वपूर्ण है। इन सारी परिभाषाओं पर आधारित सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीले ने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ है अतिशासन का विलोम, अतिशासन का विलोम। इसका अर्थ है कि राज के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदियां एकदम न हो। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा भी कहा गया कि स्वतंत्रता मूलतः बंधनों का अभाव है। बंधनों का अभाव इसलिए है क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा राज्य को एक आवश्यक बुराई बतलाया गया है और उसने कहा है कि राज्य मूलतः न्यूनतम कार्यों का केवल संपादन करे। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कंसेप्ट हर जगह लागू होता है, विज्ञान का यही नियम है। वैज्ञानिक उदारवाद का स्पेंसर समर्थक है, इसलिए उसके द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण न हो। इसी को उत्तरजीविता का सिद्धांत कहते हैं। जॉन लॉक ने कहा, जो उदारवाद का पिता है, उसने कहा कि जहां कानून नहीं वहां पर स्वतंत्रता नहीं। अर्थात कानून का निर्माण जन सहमति पर आधारित होगा, इसलिए कानून और संवैधानिक शासन का जॉन लॉक समर्थक है, इसलिए उसके द्वारा इस बात का समर्थन किया गया। हॉब्स ने कहा है कि व्यक्ति की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने या मौन रहने में है। और रूसो के द्वारा कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति
जन्म से स्वतंत्र होता है, लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो के द्वारा एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता का विचार दिया गया, जिसको बाध्यकारी स्वतंत्रता कहते हैं। बाध्यकारी स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। यह बाध्यता सामान्य इच्छा की होगी। असामान्य इच्छा सामान्य हित की चेतना है और वह सार्वजनिक और जनता के हितों पर आधारित है। अर्थात रूसो का यह मत है कि सामान्य इच्छा के नियंत्रण में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वाधिक फलीभूत हो सकती है। अब अगला है जेएसमिल। जेएसमिल को स्वतंत्रता का देवदूत कहते हैं। यह स्वतंत्रता का देवदूत है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा पागल एवं शनकी व्यक्ति को भी स्वतंत्रता देने का और अपने विचार के अभिव्यक्ति का अधिकार देने का समर्थन किया गया। जेएसमिल का प्रसिद्ध कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन, मस्तिष्क और शरीर का संप्रभु है। राज्य के द्वारा उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। आप कमोबेश यहाँ तक जब आप देखते हैं तो आपको एक बात मालूम होगा कि सारे चिंतक किस बात के समर्थक हैं। ये लोग पूर्ण रूप से राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप के समर्थक हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता को नकारात्मक रूप में परिभाषित करते हैं, जिसमें टीएच ग्रीन 19वीं शताब्दी का चिंतक है और टीएच ग्रीन के द्वारा सर्वप्रथम सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया गया। और टीएच ग्रीन ने कहा कि स्वतंत्रता व्यक्ति के द्वारा उस कार्य को करने की स्वतंत्रता है जो करने योग्य है और उस वस्तु का उपभोग करना है जो कि उपभोग योग्य है। योग्य का आशय है कि जो समाज के हित में हो, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज की स्वतंत्रता पर कोई अलगाव नहीं पाया जाता। व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज का हित दोनों में एक समन्वय की भावना का होना आवश्यक है, ऐसा इसने कहा था। लास्की लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थक है। इसने कहा, स्वतंत्रता व्यक्ति को प्राप्त होने वाला वह अधिकार है जिसके द्वारा वह अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके। हॉब्सन ने स्वतंत्रता के ऊपर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी किया और उसने कहा कि स्वतंत्रता से पूर्व व्यक्ति की सामान्य जीविका उपार्जन का अधिकार मिलना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति को खाने पीने का अधिकार नहीं है तो स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए हॉब्सन का यह प्रसिद्ध कथन है कि एक भूखे व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या अर्थ होगा, जबकि वह स्वतंत्रता को न तो खा सकता है और न ही पी सकता है। इन सब के अलावा भी स्वतंत्रता पर एक महत्वपूर्ण कथन आपके एग्जाम में और भी आता है और वह नाम है जेफरसन का। जेफरसन के द्वारा कहा गया है कि ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी के द्वारा हमें स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। यह कथन है जेफरसन का। बट ये सारे स्वतंत्रता की परिभाषा उदारवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण इससे अलग हट करके स्वतंत्रता की व्याख्या करता है और उसमें लेनिन का नाम मुख्य है। इनके द्वारा वर्गीय स्वतंत्रता की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया
और इन्होंने कहा कि जब तक राज है तब तक स्वतंत्रता नहीं होगी, जब तक राज है तब तक स्वतंत्रता नहीं होगी, और जब स्वतंत्रता होगी, जब स्वतंत्रता होगी तब राज्य नहीं होगा। इस कथन का सामान्य अर्थ है कि मार्क्स और मार्क्सवादी विचारक इस बात पर बल देते हैं कि राज शोषण का एक यंत्र है और यह पूंजीपति वर्ग के द्वारा बनाई गई एक कार्यकारिणी परिषद है जिसका निर्माण केवल पूंजीपति वर्ग अपने हितों के लिए किया है। इसलिए जब पूंजीपतियों का वर्चस्व है राज्य के ऊपर तो राज्य के द्वारा निर्मित कानून स्वतंत्रता अधिकार समानता निर्धन वर्ग के लिए केवल दावे की बात है, जबकि उसका पूरा प्रयोग केवल पूंजीपति वर्ग के हित के लिए किया जाता है। इसलिए लेनिन का यह कहना सत्य है कि जब तक राज्य है स्वतंत्रता नहीं होगी और जब स्वतंत्रता होगी तब राज्य नहीं होगा। देखिए यहाँ तक तो हम लोगों की ये बात थी। आज स्वतंत्रता के सामान्य अवधारणा विकास उसके सामान्य अर्थ और उसकी परिभाषा पर, अब इसके बाद है स्वतंत्रता का अलग अलग दृष्टिकोण से समझना। स्वतंत्रता की व्याख्या नकारात्मक रूप में किस प्रकार से है और सकारात्मक रूप में किस प्रकार से है। नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन जहाँ पर शेली के द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, आजिया बर्लिन के द्वारा या अन्य समकालीन उदारवादी चिंतकों के द्वारा किया गया, वहीं पर सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन टीएच ग्रीन के द्वारा, लास्की, जीडीएच कोल, मैकाइवर और हाफसन के द्वारा दिया गया। इनके सब के अलग अलग दृष्टिकोण क्या हैं हम लोग इस बात का अध्ययन करेंगे अपने अगले वीडियो में। ये आज का क्लास हम लोगों का यहीं तक था। आप लगातार देखते रहें लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।